Welcome in BKG Education. Today I write a resume and job application. आज हम सीखेंगे कि resume और job application कैसे लिखते हैं. Resume and job application इसका हमारे life में job लेने के लिए बहुत योगदान है. ऊपर से exam point of view से भी बहुत important है. जैसे कि बीटेक इंग्लिश पेपर, सीबीएसई इंग्लिश पेपर, ग्रेजुएशन इंग्लिश पेपर इत्यादि एग्जाम में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है. चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले एक बॉक्स में अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेंगे. उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपका ये कैरियर का क्या उद्देश्य है. तो जैसे हमारा है टू ज्वाइन मल्टीनेशनल कंपनी एंड बिकम दी प्रोमिनेंट मेंबर इन मैनेजमेंट. प्रोमिनेंट का मतलब यहाँ पे हुआ प्रमुख, ठीक है. उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे. तो जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये होता है कि अभी तक आपने कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल कर चुके हैं. तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बीटेक, जो हम 2021 में मैं पास आउट हूँ, जो 8.9 CGPA से NIT पटना से मैं पास किया था. उसके 12th जो 2017 95% से BSEB मतलब बिहार बोर्ड से मैं पास आउट हूँ. फिर उसका थर्ड है 10th जो 2015 में 10 CGPA से मैं CBSE से पास आउट हूँ. इसके बाद हम एक्सपीरियंस लिखेंगे, कहाँ पे हम कुछ कोई भी जॉब कर चुके हैं या मेरा क्या एक्सपीरियंस है कोई इस क्षेत्र में. तो ठीक है, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ तो मैं अपना लिखूँगा वर्क एज सिविल इंजीनियरिंग इन रिलायंस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. मतलब कि मैं रिलायंस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में मैं काम कर चुका हूँ, जो कि 9/9/2021 से लेकर के 6/5/2022 तक मैंने इस कंपनी में जॉब किया था, ठीक है. इसके बाद हम लिखेंगे आगे ये इंटर्नशिप. जैसे कि हम कॉलेज लाइफ के दौरान हमें तीन इंजीनियरिंग में हमें तीन इंटर्नशिप करने होते हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे. इंटर्नशिप का मतलब होगा कि कॉलेज लाइफ में जो हम प्रैक्टिकल के तौर पे कोई भी कंपनी में काम करने के लिए कुछ स्किल सीखने के लिए जाते हैं, उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं. तो जैसे हम फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने डन किया था रिलायंस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से, ठीक है, जो कि एक मंथ का होता है, 28 दिन का से 30 दिन तक का होता है. तो ये हम 20/3/2028 से लेकर के 20/4/2028 तक मैंने पूरा किया था, ठीक है. उसके बाद हम सेकेंड इंटर्नशिप देखेंगे जो हमारे थर्ड ईयर में, जो कि 1.5 महीने के आसपास होता है. तो ये मैं सेकेंड इंटर्नशिप मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से दिल्ली में किया था. इसका टाइम ड्यूरेशन 5 अप्रैल 2019 टू 20 मई 2019 था. थर्ड इंटर्नशिप जो कि 2 महीने का होता है, ये मैं NCC लिमिटेड कंपनी में किया था. ये एक बहुत ही प्राइवेट क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका टाइम ड्यूरेशन मेरा था 7 अगस्त 2020 टू 3 अक्टूबर 2020. एक्स्ट्रा सर्कुलम एक्टिविटीज स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर इन टीच फेस्ट 2018 ऑर्गेनाइज्ड बाय NIT पटना, पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन NIT पटना इन 2009. यहाँ पे हमारा रिज्यूम खत्म होता है और अब हम अप्लीकेशन लिखेंगे उस कंपनी को, हमें कौन सा जॉब चाहिए, किस जॉब के लिए हम आवेदन कर रहे हैं वो लिखेंगे और सीखेंगे कैसे अप्लीकेशन लिखा जाता है फॉर जॉब के लिए. तो सबसे पहले हम एड्रेस डालेंगे बाजार समिति पटना बिहार और उसका डेट डालेंगे. दी मैनेजर इन्वायरो इंजीनियर्स PVT लिमिटेड सूरत, क्योंकि वो कंपनी हमारा वो सूरत में है. उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि हम कौन से जॉब के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं.
तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। प्लस सैल्यूटेशन में लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, वो मैनेजर सर है या मैडम है, अगर आपको पता है तो आप वो लिखेंगे, नहीं पता है तो दोनों लिख देंगे। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एवर मेंशनड सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट में वो मेंशन कर दिया गया है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, मतलब कि हम चाहते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट पे अप्लाई करना, एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर, कि ये न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, डेटेड 28 मई 2021, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 मई 2021 को प्रकाशित हुआ था। एज यू नो फ्रॉम माई रेज्यूम, मतलब आपको आप मेरे रिज्यूम को देख करके आपको पता होगा, आई हैव कम्प्लीटेड बीटेक डिग्री फ्रॉम सिविल इन ब्रांच फ्रॉम एनआईटी पटना, कि मैं ये बीटेक डिग्री एनआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से पास आउट हूँ। हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड 3 इंटर्नशिप फ्रॉम वेरियस रेपुटेटेड कंपनी। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीट ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कैड, मतलब कैड का मतलब ऑटो कैड, ऑटो कैड का में भी हम एक कम्प्लीट सर्टिफिकेट मेरे पास है। इफ़ आई गोट ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस कंपनी, आई विल डिवोट माई सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी कंपनी, मतलब इस कंपनी को आगे बढ़ाने में हम अपनी पूरी योगदान देंगे। थैंक यू विथ वार्म रिगार्ड्स अंशु कुमार, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब VKG एजुकेशन। धन्यवाद।